बीच में कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से हमें काफी रिस्ट्रिक्शंस हुई, स्पेसिफिकली बारागाय जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाली नामवर हीरोइन कुबरा खान से जानेंगे कि सीध ऐसी कौन सी फिल्म आ रही है जिसको बनाने में 5 साल लगे। कश्मीर में हमने काम किया, हमने लाहौर में काम किया, कराची में, हमने आई थिंक ऑलमोस्ट सारे सूबे टच किए। क्या हो रहा है आजकल? ये फिल्म आने वाली है अभी सीट पे इंशाल्लाह है, तो बस उसी की तैयारी चल। कौन सी मूवी आ रही है अभी? अभी फिल्म का नाम अभी है। अभी नाम है जी। ये अभी कब से शुरू हुई है? ये 5 साल से शुरू हुई है। 5 साल से? जी जी। क्या टाइम लगा? क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से हमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हुई और थोड़ा टाइम लगा वापस आने में ऑब्वियसली, और सबकी अपनी अपनी कमिटमेंट्स भी थी, तो इस वजह से। अभी मूवी के बारे में थोड़ा सा बताएं। फिल्म जो है इट्स अबाउट अ गाय, वेल नॉट जस्ट अ गाय, इट्स अबाउट फ्यू पीपल एंड स्पेसिफिकली अबाउट अ गाय जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं एंड उनकी जर्नी है एंड हम उनकी जर्नी का पार्ट हैं। ज़्यादा ऑब्वियसली रिवील नहीं कर सकते। आई वुड लाइक के सारे जाके फिल्म देखें जब रिलीज होगी इंशाल्लाह ईद पे। सारे जाके क्यों ये मूवी देखें, क्या वजह? क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे टॉपिक्स छेड़े हुए हैं जिनके बारे में हम नॉर्मली बात नहीं करते, इतना अग्रेसिवली नहीं छेड़ा हुआ उनको, लेकिन द फैक्ट के एवरी लाइफ डज मैटर एट द एंड ऑफ द डे, और हमारे मुल्क में इस तरह काफ़ी दफ़ा होता है कि हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि किसकी ज़िंदगी ज़्यादा यू नो अहम है और किसकी नहीं, तो इसमें वो चीज़ छेड़ी हुई है। इसमें कश्मीरी एलिमेंट है as well. लंदन में भी मूवी आ रही है ये वाली? ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आ रही है। जी जी। लंदन क्यों छोड़ा आपने, पाकिस्तान कैसे आई? रोजी रोटी यहाँ लिखी थी। रोजी रोटी क्या? थोड़ा सा जर्नी थोड़ा सा बताए ना, क्या हुआ? आप ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्ट्रेस, मैंने पढ़ा ना कुबरा खान ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्ट्रेस, व्हाई? सो आई ऑब्वियसली बचपन से मैं लंदन में ही थी एंड फिर मुझे यहाँ पे ड्रामे की ऑफ़र आई। एक पहले तो एक फिल्म की ऑफ़र आई रावल मफरा, 2019 में हमने रिलीज़ की थी। फिर मुझे ऑफ़र आई ड्रामे की संगे मरमर की। जब उस टाइम आए तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन शूटिंग एंड चल से चल। बड़े पर्दे पे आने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मुश्किल से मिलते हैं? टैलेंट हो तो आई डोंट थिंक सो, और अगर इफ़ यू आई थिंक कुछ भी अगर आप दिल से फोकस करो उस पर तो आप अचीव कर सकते हो। फिर कब लगा कि मैंने अब मूवीज ही करनी है, ड्रामाज ही करने हैं, एक्टिंग ही करनी है, कुछ नहीं करना है? एक ड्रामा था मैंने किया था मुकाबिल, उससे पहले भी कुछ ड्रामे थे वो मज़ा आ रहा था करने में, लेकिन जब मुकाबिल किया था तो उसका इम्पैक्ट जो ऑडियंस पे आया था, मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी क्योंकि वो चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में था, और उस दौर में 2016 की बात कर रही हूँ मैं कि मुझे घर पे खत आए थे और अच्छा? हाँ जी, ईमेल्स आए थे, घर पे खत आए थे और लोग यही कह रहे थे कि ये ड्रामा देख के हमें हिम्मत मिली कि हम अपने माँ बाप को या अपने फैमिली को अपने अब्यूज़ के बारे में बता सके जो 10-15 साल पहले हुआ था, चाहे वो कारी था, कसम था, अंकल आंटी जो भी था। तो वो देख के जब हुआ तो मुझे अच्छा लगा कि लोगों को ये देख के हिम्मत मिली। इतनी हसीनो जमील एक्ट्रेस को कैंसर का कोई हुआ था इशू, मुझे पता चला, मेरा तो दिल दहल गया। आप बताइए क्या हकीकत है इस सारे मामले? जी, ये 2021 में मुझे बताया गया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मी हैविंग कैंसर एंड देन आई हैड द ऑपरेशन, अल्हम्दुलिल्लाह आई डॉज्ड इट। जो चीज़ें बता रहे थे उससे खुदा ना खास्ता इट कुड हैव बीन द केस, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले एलिमिनेट हो गया। बट ऑब्वियसली आई वेंट थ्रू द एंटायर प्रोसीजर ऑफ गेटिंग द ट्रीटमेंट डन, गेटिंग द सर्जरी डन फॉर इट एज वेल, तो अल्लाह ने बहुत बहुत करम किया और खत्म हो गया सब। लंदन में कैसी लाइफ थी और ये इतना माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इज्जत दी है पॉपुलर होने के बाद, अब कैसी लाइफ है? लंदन में अभी भी वैसे ही लाइफ है जैसे पहले थी। मैं पहले भी अंडे दूध दही खुद लेने जाती थी, यहाँ भी करती हूँ मैं। तो इन ऑल ऑनेस्टी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस ये है कि जो किसी आम इंसान की ज़िंदगी जो लंदन में होगी और जो यहाँ होगी, बस उतना ही फ़र्क है। लंदन में हमारे ड्राइवर्स नहीं होते, शेफ़ नहीं होते, हाउस हेल्प नहीं होती, हम खुद करते हैं हर चीज़, और वैसे ही यहाँ पे भी है। अभी तक की आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है, कोई ड्रामा जो आपको बहुत पसंद आया? मेरा अपना या जनरली? जनरली आई थिंक मौला जट अगैन वॉज अ ग्रेट मूवी। एक फिल्म आई थी केक के नाम के नाम नाम से, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी एज वेल। आई थॉट इट वाज अ वेरी सिंपल मूवी, वाज अ वेरी नाइस मूवी। एक्टर इन लॉ वाज अ ग्रेट मूवी एज वेल। यू नो आई थिंक पंजाब में जाऊंगी वाज अ फैंटास्टिक मूवी, एंड इवन जवानी परनियानी 2 व्हिच इज कदम खुद भी थी, आई थिंक दैट वाज अ फन मूवी टू वॉच। बट आई डिड लाइक जवानी परनियानी 1 अ लॉट एज वेल। कौन सा पंजाबी एक्टर अच्छा लगता है आपको, पाकिस्तान में या उधर? इंडियन, इंडियन। आई डोंट नो हिज नेम, गिनी समथिंग, गिनी गरेवाल, गिप्पी गरेवाल, गिप्पी गरेवाल, सॉरी। आई थिंक हीज फैंटास्टिक। मैंने उनकी फिल्म देखी थी हनीमून, आई थी नेटफ्लिक्स पे। आई थिंक हीज अ फन एक्टर एनीवेज।